खबर देहरादून से है। कांग्रेस नेता यहां रवाना हो गए हैं, राजभवन घेराव के लिए कूच किया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कूच किया, हरीश रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल है। कांग्रेस बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि राजस्थान में सरकार अस्थिर की जा रही है और जो राजस्थान का सियासी संकट है उस पर कांग्रेस अब पूरे देश में राजभवन का घेराव कर रही है। पंकज पवार ब्यूरो चीफ हमारे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद। पंकज जी बताइए कि राजस्थान की सियासत और राजस्थान की जो अस्थिरता है उसको लेकर कांग्रेस ने जो मोर्चा खोला है, अभी ये काफिला कहां पहुंचा है, मकसद क्या है? देखिए, अभी कांग्रेस भवन से निकल के काफिला जो है वो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में और हरीश रावत उसमें मौजूद हैं। इस समय हाथी बड़गला चौकी के पास उनको रोक दिया गया है, राजभवन नहीं जाने दिया गया है। बड़ी संख्या में वहाँ पे कांग्रेसी मौजूद हैं, पुलिस बल भी वहाँ पे मौजूद है और कुल मिलाकर कोशिश कांग्रेसियों की यही है कि किसी तरीके से राजभवन पहुंचा जाए। हालांकि वहाँ पे पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरीके से राजस्थान में और अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से सरकार को गिराया गया, फिर बनाया गया और यहाँ पे राजस्थान में फिर वही कोशिश हो रही है, तो अब इसका किस तरीके से पॉलिटिकली विरोध किया जाएगा, पूरे देश भर में इसका पॉलिटिकल कैसे माइलेज लिया जाए, कैसे इसको सब जगह पहुंचाया जाए कि भाई केंद्र सरकार कैसे कर रही है या फिर बीजेपी कैसे कर रही है, तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आज कांग्रेस सामने रख रही है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व पर ये जो पूरा कूच है वो राजभवन तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी अपनी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुआ है जी। अच्छा, हरीश रावत और प्रीतम सिंह दोनों साथ में, ये भी खबर आ रही है? हाँ बिल्कुल, हरीश रावत भी और प्रीतम सिंह भी दोनों साथ में हैं। हालांकि कांग्रेस भवन तो हरीश रावत नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ते में उन्होंने इस कूच को ज्वाइन किया है और वो वहां पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है, एकजुटता दिखाने की कोशिश है और साथ साथ में क्योंकि पार्टी आलाकमान का कार्यक्रम है, पार्टी AICC की तरफ से ये कार्यक्रम आया हुआ है, इसलिए उसमें अपनी एकजुटता और एक साथ दिखाना बहुत जरूरी मुझे लगता है कांग्रेसियों को नजर आ रहा है जी। अच्छा, तो बार बार जो लीगल फ्रंट पर झटके लग रहे हैं कांग्रेस को, अब इसको वो राजनीतिक लड़ाई बनाना चाहती है, एक किस्म का विक्टिम कार्ड खेल रही है कांग्रेस। बिल्कुल, और दिल्ली में जिस तरीके से जब राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत मनमाफिक फैसला नहीं आ पाया, तो अब कांग्रेस के तमाम कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई इसको हम जनता के बीच लेके जाते हैं, जनता इस पर वो करे, और ये तमाम आपने सही कहा कुलदीप की विक्टिम कार्ड वाली स्थिति भी नजर आती है। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई कितना इसमें इसको इनको फायदा हो पाता, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो कांग्रेस कर ही रही है जी। बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।